अब गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो हमारा हक में अपने वादे जो हम पूरे करें। हमारी सिंपल तीन डिमांड्स है। नंबर वन, आप एक स्पेशल जॉब पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम करें। एक हमारा जो इंक्रीमेंट आज तक कभी नहीं लगा है, 2016 से लेकर आज तक हमारी जो सैलरी वो स्टैग्नेंट है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ उसमें एक इंक्रीमेंटल क्लॉज आप लगा दीजिए ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो चलती रहे। हमें ये ना लगे कि हम कई पसमाना, जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट में आप खुद देखिए जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उसका हाई कितना हुआ है, लेकिन हमारे सैलरी में 0% का हाइक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो मेंशन करना चाहते हैं वो ये है कि उन्होंने हमें आउटसोर्स किया हुआ है। हमारा रिटन एग्जाम हुआ है, हमारा वाइवा हुआ है, उसके बाद हमें प्लेस किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में 2016 से, जो कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन्होंने हमें आउटसोर्स किया। आउटसोर्सिंग आप डिमांड हाँ, अब एक और डिमांड हमारी वो ये है कि प्लीज़ ये आउटसोर्सिंग बंद कीजिए। आप उनको करोड़ों का पैसे दे रहे हो, उनका काम ही कुछ नहीं है, काम तो हम सारा कर रहे हैं। तो हम फिर से एक बार पुरजोर एक अपील कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, आप प्लीज़ हमारे लिए स्पेशल जॉब पॉलिसी फ्रेम कीजिए। और ये जो ठेकेदार आप लोगों ने बिठा के रखे हैं जिनकी वजह से हमारा करियर रुका हुआ है, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, आप प्लीज़ उनको रिमूव कीजिए। ये हमारी दो डिमांड्स है बस, और हमारा कुछ और नई डिमांड नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि चांद लाइए हमारे लिए, हम ये नहीं कह रहे तारे लाइए, बस सिंपल ये दो डिमांड्स है, स्पेशल जॉब पॉलिसी एंड रिमूवल ऑफ दीज वीट पीस। थैंक यू। हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी सैलरी इंक्रीज कब करेंगे वो? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से यहाँ आई हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए, इस बात के लिए कि हम कब से बोल रहे हैं गवर्नर सर को कि हमारी जो सैलरी है वो हाइक करें, बीटीपीस को रिमूव करें, लेकिन अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया है। तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए, हमारे लिए हमारी सैलरी जो है हाइक की जाए और बीटीपीस को रिमूव करें। मैडम आपने इससे पहले भी यहाँ पे देखिए, अब हम मदर्स यहाँ पे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, अच्छा लगे तो बच्चे बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पर मदर्स डे मनाने के लिए। गवर्नर सर ने बात भी बोली हमें, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया कि उन्होंने हमारी जॉब पॉलिसी के लिए क्या सोचा है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी सैलरी इंक्रीज कब करेंगे वो।